ऑनलाइन शिक्षण कालांश में द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में श्लोक संख्या 9 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम् यदर्धि विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमेव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात् यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलतां यदर्धि विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है। प्रथम अंक में राजा एक मृग का वध करने के लिए पीछा कर रहा था और इसी क्रम में अश्व बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे थे, तो इस तीव्र गति से दौड़ते समय आसपास की जो वस्तुएं दूर और पास हो रही है उनका वर्णन दुष्यंत सारथी से इस प्रकार कर रहा है। अन्वय रथ जवात यत वस्तु आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम व्रजति यत अर्धे विच्छिन्नम तत् कृत संधानम इव भवति यत प्रकृत्या वक्रम तत् अपि समरेखम तथा किंचित वस्तु में नयनयो हो क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। शब्दार्थ जवात वेग से गति से आलोके देखने में सूक्ष्मम छोटी सी सहसा अकस्मात अचानक से विपुलताम विशालता को व्रजति प्राप्त हो जाती हैं अर्धे मध्य में बीच में विच्छिन्न कटी हुई सी कृत संधानम कृत अर्थात किया हुआ संधान जोड़ दिए गए हो प्रकृत्या स्वभाव से ही वक्रम तिरछी टेढ़ी समरेखम सीधी नयनयो नेत्रों के पार्श्वे पास में। श्लोक का अनुवाद। दुष्यंत सारथी से रथ के तीव्र वेग के कारण वस्तुओं में जो परिवर्तन आ रहा है उसको इस प्रकार कहता है कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी सी दिखाई पड़ती है वही वस्तु अकस्मात ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात इसका भाव यह है कि यदि हम किसी वाहन में बैठ के गति कर रहे हैं तो उस वाहन से हम किसी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो वो छोटी सी दिखाई पड़ती है, पर वही पास में आने पर एकदम से विशाल अर्थात अपने आकार में दिखने लग जाती है। एवं जो वस्तु दूरी के कारण पहले बीच में से कटी हुई सी प्रतीत होती है, अर्थात किसी वस्तु को हम दूर से देखते हैं तो वह वस्तु दूरी के कारण अपनी संपूर्ण आकार में न होकर कटी फटी सी दिखाई देती है, पर पास से देखने पर वह मानो जोड़ दी हुई हो और संपूर्ण लगने लग जाती है। इसी प्रकार दूर से जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी
प्रतीत से होती है, वही पास आने पर अपनी नेत्रों के सामने सीधी लगने लगती है। एवं राजा दुष्यंत कहता है कि उसके आँखों के सामने क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु न तो समीप रह पाती है और न ही दूर रह पाती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम गतिशील वाहन में होते हैं तो हमारे नेत्रों के समक्ष कोई भी वस्तु न दूर और न पास रहती है, क्योंकि पास वाली वस्तु दूर चली जाती है और दूर वाली वस्तु क्षण में पास आ जाती है। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु गति के कारण पास और दूर नहीं होती है। यह सब परिवर्तन रथ की तीव्र गति के कारण हो रहा था, जिसको दुष्यंत ने सारथी से व्यक्त किया है। इस प्रकार इस श्लोक में गति के कारण वस्तुओं में आने वाले आकारगत परिवर्तन को बहुत सुंदरता से कालिदास ने व्यक्त किया है। इस श्लोक के विशेष में इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार हैं, अर्थात जो वस्तु का स्वाभाविक परिवर्तन है उसको वैसा का वैसा ही वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलंकार हैं। इस श्लोक में शिखरिणी नामक छंद है। शिखरिणी छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और 6 एवं 11 पर यति होती है। इन सभी नियमों का वर्णन हम छंद के प्रकरण में करेंगे। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 10। तत्साधुकृत संधानम प्रति सहसायकम आर्तित्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। प्रसंग, राजा जब मृग के ऊपर तीर छोड़ने ही वाला था, उसी समय आश्रम का एक व्यक्ति आकर के और उस मृग के वध का निषेध करता है। अन्वय, तत् साधुकृत संधानम सायकम प्रति संहर, ये तो ही वह शस्त्रम आर्त त्राणाय अस्ति अनागसी प्रहर्तुम न। शब्दार्थ, साधु कृत, साधु का अर्थ है भले प्रकार से, कृत किए गए अर्थात भली प्रकार से किए गए, संधानम अर्थात धनुष पर चढ़ाए हुए, सायकम तीर को बाण को, प्रतिसंहर अर्थात उतार लीजिए, नीचे रख दीजिए, वह अर्थात आपका शस्त्रम बाण आदि शस्त्र, आर्त दुखी पीड़ित, त्राणाय रक्षा के लिए, निरागसी निरअपराधी पर, अग का अर्थ होता है अपराध पाप, निर विलोम लगने से निरअपराध सप्तमी विभक्ति है इसलिए निरागसी शब्द हैं, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए। श्लोक का हिंदी अनुवाद, हे राजा अच्छे से धनुष पर चढ़ाए गए बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आप लोगों का शस्त्र पीड़ितों की दुखी व्यक्तियों की रक्षा के लिए होता है, न कि किसी निरअपराधी जीव पर प्रहार के लिए होता है, अतः अपने इस बाण को उतार लीजिए। कहने का भावार्थ ये है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है, भले वो मूक हो, जीव हो या कोई जंतु हो, अतः जब राजा का कर्तव्य है कि वह अपने बाणों को किसी अपराधी पर चलाए, न कि किसी निरपराधी जीव पर, अतः इसी भाव को श्लोक में व्यक्त किया गया है। इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद है। इस पद्य में राजा के कर्तव्य क्या हैं और उसका धनुष और बाण किस प्रयोजन के लिए हैं, इसे बताया गया है। धन्यवाद।